हरियाणा के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच सीआईडी को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो थमने का नाम नहीं ले रहा। अब कैबिनेट मंत्री अनिल विज के दूसरे विभाग को लेकर भी विवाद होने की आशंका जताई जा रही है। शनिवार को चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सभी नगर निगमों के मेयर और आयुक्तों की बैठक हुई, लेकिन बैठक से कैबिनेट मंत्री अनिल विज नदारद थे। गुरुग्राम में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जनता दरबार लगाया। दुष्यंत ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में उन लोगों की समस्याएं सुनी, ज्यादातर समस्याओं का डिप्टी सीएम ने मौके पर ही निपटारा कर दिया। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नसीहत देते हुए कहा कि हुड्डा ने अपने 10 साल के राज में उतने काम नहीं किए जितने 75 दिन की गठबंधन की सरकार ने कर दिखाए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला में जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान जीटी रोड तक लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। इस दौरान गृहमंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरे दरबार में आए हर शख्स की समस्या सुनी जाएगी। विज ने कहा कि आखिरी सांस तक लोगों के लिए लड़ता रहूंगा। करनाल पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सीआईडी के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब बहस बहुत हो गई। गुरुवार को जींद में हुई महापंचायत के फैसले को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अच्छी बात है कि आरोपियों को माफ कर दिया गया। ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल शुक्रवार देर रात सिरसा पहुंचे। प्रोफेसर गणेशी लाल 4 दिवसीय हरियाणा दौरे पर हैं। इस दौरान राज्यपाल सिरसा में कई धार्मिक और निजी कार्यक्रमों में भाग लेने पहुंचे। राज्यपाल गणेशी लाल ने राम कॉलोनी में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की और राज्यपाल गणेशी लाल ने कहा कि नए साल में सभी को मिलकर एकता के लिए प्रयास करना चाहिए और नववर्ष में भारत का समग्र विकास। करनाल के पूर्व सांसद अश्विनी चोपड़ा का शनिवार को निधन हो गया। दरअसल अश्विनी चोपड़ा कैंसर की बीमारी से पीड़ित थी। 25 अगस्त 2017 को पंचकुला में हिंसा को लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी 345 में गुरमीत राम रहीम को आरोपी बनाए जाने को लेकर सीजेएम कोर्ट ने एक याचिका लगाई थी और इस याचिका पर शनिवार को सुनवाई नहीं हुई। अब भट्टा सिंह की याचिका पर आने वाली 3 फरवरी को सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होगी। शनिवार को डेरा प्रबंधक रंजीत हत्या मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई में राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। सीबीआई वकील एचपीएस वर्मा ने बताया कि सीबीआई ने मामले में फाइनल बहस पूरी कर ली है और अगली सुनवाई 1 फरवरी को की जाएगी, जिसमें बचाव पक्ष अपनी बहस शुरू करेगा। सिरसा में 19 जनवरी से पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। इसके चलते सिरसा के नागरिक अस्पताल और अलग अलग कॉलेजेस में प्रशिक्षण ले रही एएनएम ने जागरूकता रैली निकाली। फरीदाबाद के धौज गांव में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सीएए के खिलाफ प्रदर्शन किया। सीएए और एनआरसी के विरोध में लोगों ने अपने हाथों में देश का झंडा लेकर सड़क पर विरोध मार्च निकाला। 26 जनवरी के मद्देनजर सभी राज्यों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है। कहीं अनहोनी न हो इसलिए पुलिस दिन रात चेकिंग कर रही है। इस कड़ी में यमुनानगर के रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने कमांडो की मदद से हर आने जाने वाली ट्रेनों को खंगाला और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की। फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल में बदमाशों की गुंडागर्दी देखने को मिली, जहां कुछ युवकों ने अस्पताल कर्मचारियों से मारपीट की। मारपीट की सारी वारदात अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक आरोपी पहले इलाज करवाने की मांग कर रहे थे, लेकिन कर्मचारियों ने उन्हें मना कर दिया, जिसके बाद गुस्साए युवकों ने मारपीट शुरू कर दी। अंबाला अमृतसर नेशनल हाईवे 1 पर पंजाब पुलिस के कर्मचारियों ने स्कूली बच्चों से भरी ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में 3 बच्चे घायल हो गए। वहीं घटना के बाद शराबी कर्मचारी फरार हो गए। लोगों ने नशे में धुत पुलिसकर्मियों का पीछा कर टोल प्लाजा पर उन्हें पकड़ लिया और इस बीच टोल प्लाजा पर शराब की पेटी को गाड़ी से निकाल कर ले जाते हुए पंजाब पुलिस के कर्मचारी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बहादुरगढ़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक कार चालक ने सड़क किनारे आग सेक रहे 5 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। मौके पर घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं स्थानीय लोगों ने कार चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और मामले की जांच की जा रही है।
हिमनगर में दर्दनाक हादसे का मामला सामने आया, जहां एक कार ने एक साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में व्यक्ति की मौत हो गई। यमुनानगर के गांव खुर्दी में एक छात्रा ने दिसंबर में हुई परीक्षा में नंबर कम आने की वजह से आत्महत्या कर ली, जिस वजह से पुलिस को इसकी सूचना दी गई, तो पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। उत्तर भारत समेत हरियाणा प्रदेश में अभी सर्दी का सितम जारी है। रेवाड़ी में शनिवार को ठंड के साथ कोहरे ने भी दस्तक दी। कोहरे की वजह से देखने में काफी परेशानी लोगों को हुई। शहर भी कोहरे की सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आया। ठंड और कोहरे के चलते जहां आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, तो वहीं सड़कों पर वाहन भी कम गति में रेंग रेंग कर लाइट जलाकर चलते दिखाई दिए। हिमाचल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर डॉक्टर राजीव बिंदल की ताजपोशी हो गई है। बीजेपी राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर ने राजीव बिंदल की हिमाचल प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की। ताजपोशी पर केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, अनुराग सिंह ठाकुर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश बीजेपी प्रभारी मंगल पांडे समेत तमाम मंत्री और विधायक कार्यकर्ता मौजूद रहे। नालागढ़ में पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने लगभग 90 लाख रुपए के अलग अलग निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया और कई घोषणाएं की। वहीं ग्राम पंचायत भोगपुर स्थित महादेव गौशाला में जनसभाओं को संबोधित किया गया। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार गांव और गरीबों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में डीजीपी की अध्यक्षता में रेलवे के अधिकारियों और जीआरपी की बैठक हुई, जिसमें 2021 में हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले को लेकर चर्चा की गई। वहीं इस दौरान कुंभ मेले के स्टेशन पर आने वाली भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर भी प्लान तैयार किया गया। इस दौरान डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से स्टेशन पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे। नालागढ़ पुलिस ने सड़क सुरक्षा नियमों को लेकर जागरूकता कैंप का आयोजन किया। पुलिस ने नालागढ़ के कालका चौक पर हर आने जाने वाली गाड़ियों के चालकों को रोड सेफ्टी को लेकर जागरूक किया। वहीं ट्रैफिक इंचार्ज रमेश कुमार ने बताया कि सड़क नियमों को ध्यान में रखते हुए वाहनों को चलाना चाहिए, ताकि लोग अपनी सुरक्षा खुद कर सके। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के देहरा में रेसलिंग स्टार द ग्रेट खलीफ दलीप सिंह राणा धलियारा पब्लिक स्कूल पहुंचे। यहां स्कूल के एनुअल फंक्शन में पहुंचकर उन्होंने बच्चों को सम्मानित भी किया और नशे से दूर रहने की सलाह दी। द ग्रेट खली ने कहा कि युवा नशे को छोड़कर स्पोर्ट्स में आगे आए। खली ने कहा कि वो सिटीजन अमेंडमेंट कानून का समर्थन करते हैं। इसके साथ ही द ग्रेट खली ने कहा कि विदेशों से घुसपैठ करके कई लोग भारत में अवैध रूप से घुसे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिमाचल में ट्रैफिक नियम तोड़ना अब आपको महंगा पड़ सकता है। दरअसल हिमाचल में पुलिस प्रशासन अब और हाईटेक होने जा रहा है, क्योंकि पुलिस अब लिखित में चालान न करके पीओएस मशीन के जरिए चालान करेगी। पीओएस मशीन के जरिए वाहन चालक मौके पर ही चालान भुगत सकेगा, और अब चालक चालान के समय गलत पता भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि ई चालान मशीन में ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डालते ही चालक से मिली सभी जानकारी पुलिस को मिल जाएगी। पांवटा साहिब के गोविंद घाट बैरियर पर स्थित टीसीपी कार्यालय में विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी में एक अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। नदरपुर के देशबंधु इंटरमीडिएट कॉलेज में कुछ दिन पहले करवाई जा रही नकल के मामले में अभियुक्त जीवन कुमार ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। काशीपुर के आईटीआई थाना क्षेत्र में ट्रक और बाइक के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत। वहीं इस हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मृतकों के शव को कब्जे में लेकर अस्पताल भेजा। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। देहरादून के भोगपुर गांव में सड़क के किनारे खड़ी बस में अचानक आग लग गई। आग से आसपास के इलाकों में अफरातफरी मच गई। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिनेशपुर के वार्ड नंबर 5 में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। दरअसल पारिवारिक विवाद की वजह से युवक ने फांसी लगाई।
बताया जा रहा है कि मृत युवक का पत्नी के साथ विवाद हुआ था। वहीं युवक की मौत के बाद परिवार वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तराखंड में ठंड और ठिठुरन का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड में ठंड और कोहरे का कहर लगातार बढ़ रहा है।